i20 का स्पेस वगैरह थोड़ा कम है इसमें, और ये SUV लुक लगता ऐसा तो नहीं कि जैसे खाटू श्याम गए थे तो कुछ थकान वगैरह है? है। नई वाली का पीछे का ज्यादा अच्छा है। क्या माइलेज दे रही है? सर्दियों में इस टाइम एसी नहीं चल रहा है तो 18 का दे रही है। तो ब्रेजा क्यों रिजेक्ट करी? नई वाली सोनेट आ चुकी है, हाँ जी, तो उस टाइम पे आपको पता था कि नई वाली आने वाली है। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए, सामने देख लो यार, किया सोनेट। और अभी हाल ही में गाड़ी ली हुई है, हाल ही में तो नहीं, मतलब मैं बता दूंगा अभी कब गाड़ी ली है। बाकी इस गाड़ी का प्रॉपर हम आज एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे और इसके ओनर हमारे साथ बने, उनसे बात करेंगे कि कौन सा वेरियंट है, कब उन्होंने लिया और मेनली क्या बात होती है अपनी वीडियो में कि किया सोनेट ही क्यों लिया। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं तो इनके ओनर से बात करते हैं। तो क्या हाल है भैया, बढ़िया भैया। नाम बता दो पहले। मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। तो भारद्वाज जी, जरा ये बताओ कि गाड़ी की डिलीवरी कब ली थी? हमने ली थी जुलाई में, जुलाई में 2023। 2023। और कौन सा वेरिएंट है ये? है सोनेट STK प्लस। इसमें डीजल ऑप्शन भी आता है? हाँ, इसमें डीजल ऑप्शन भी आता है। ये पेट्रोल है? पेट्रोल डीजल। मैनुअल है ऑटोमेटिक? ये है मैनुअल। कितने की पड़ी थी? यह मैं पड़ी थी 11 लाख के करीब की। अच्छा एक बात बताओ भारद्वाज जी, जब ये गाड़ी प्लान की थी, जब हाँ, लेने की सोच रहे थे उस टाइम पे, और कौन कौन सी गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करी थी? हमने ब्रेजा देखी थी और i20 देखने गए थे, महिंद्रा की भी एक आध गाड़ी देखी थी, फिर हम इसके बाद सोनेट में गए थे, किया सोनेट देखने। अच्छा, एक तो ब्रेजा देखी थी, एक i20 देखी थी, हाँ, और फिर सोनेट पे गए। हाँ, तो ब्रेजा क्यों रिजेक्ट करी? ब्रेजा एक्चुअली जो हमें फैसिलिटी इसमें मिल रही थी वो ज्यादा पैसों की मिल रही थी वहाँ उसमें। अच्छा, मतलब वो जो फीचर्स इसमें हाँ, मिल रहे हैं फीचर्स वो ब्रेजा में ऊपर पैसे में हाँ, मिल रहे थे। हाँ, ओके। दूसरी बता रहे थे i20। हाँ, i20 का स्पेस वगैरह थोड़ा कम है इसमें, और ये SUV लुक लगता है जो आजकल ट्रेंड में हाँ भी जी, हाँ जी, है ना, क्योंकि i20 थोड़ा हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक हाँ हो जी, गई हाँ जी, पर है नीची। हाँ जी। अच्छा, जैसे वेटिंग वगैरह चलती है गाड़ियों पे, और हाँ आजकल तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हर गाड़ी पे वेटिंग है, हर कंपनी वेटिंग डाल के रख रही है, जी। तो इस गाड़ी के साथ क्या सीन था? कब आपने बुक की थी और कब आपको डिलीवरी मिली थी? हमने जुलाई में ही करी थी, ऐसे 10-12 तारीख में और 26 तारीख को हमें मिल गई थी। अच्छा, मतलब 15 दिन के आसपास हाँ में मिल जी, गई हाँ थी, जी, हाँ जी। तो ऐसा जल्दी कैसे? वेटिंग क्या, उसमें हमारी जान पहचान वाले थे अच्छा इधर वही, उधर क्योंकि आजकल तो भाई हर गाड़ी हाँ पे वेटिंग है ना। ठीक है, अच्छा भैया ये बताओ यही वाला वेरिएंट क्यों, STK प्लस ही क्यों? STK प्लस में इसमें थोड़ी बैक कैमरा मिल जाता है, फीचर बहुत सारे हैं, सारे फीचर है इसमें। 8 स्क्रीन का वो है, 8 इंच का? 8 इंच का है, ठीक है, और बैक कैमरा है, और बहुत सारे ऑटोमेटिक सारे हैं, ऑटो अच्छा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। क्लाइमेट है। हाँ जी, ओके, एंड इस वजह से हमने ये STK प्लस लिया। STK प्लस लिया। अच्छा, इसका एक राइवल अगर देख ले, मतलब ऐसे इस सेगमेंट में टाटा पंच भी आ जाती है। टाटा पंच तो इससे सस्ती ही है, हाँ मगर उसका स्पेस थोड़ा कम है। अच्छा, हाँ, और ये काफी स्पेसियस है। स्पेस काफी है, और लुक वाइज भी अच्छी लगती है इससे। पीछे से आप देखोगे तो इसका लुक ज्यादा अच्छा है उसके कितने मुकाबले। किलोमीटर चला लिया आपने? ये मैंने अभी तो, हमारा तो 8 हजार चली है अभी। अच्छा, 8,000 किलोमीटर चली है हाँ, क्योंकि हमारा तो भैया वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अच्छा, तो गाड़ी कम ही निकल रही है। तो गाड़ी कम ही निकल लिया, बस एक आध जगह घूमने गए थे बस, तो वहां ले गए थे। घूमने कहाँ गए थे? पिकअप अच्छा है, खाटू श्याम वगैरह गए थे तो अच्छा, वहां पे तो क्या एक्सपीरियंस रहा फिर? अच्छा है, एक्सपीरियंस है, माइलेज भी ठीक दे रही है। क्या माइलेज दे रही है? सर्दियों में इस टाइम एसी नहीं चल रहा है तो 18 का दे रही है, अच्छा, 18 का दे रही है। और एसी ओके, पे देती है 13-14 का। पेट्रोल पे फिर भी, मतलब एसी के बिना 18 का दे रही है, हाँ, बिना तो एसी का मेरे हिसाब से तो सर्दियों यार बहुत अच्छा माइलेज है में, फिर। इस टाइम अच्छा दे रही है। हाँ, और एसी पे 13-14 हाँ, एसी पे 14 से इतना डाउन हो मैक्सिमम जाता है? 14। हाँ जी, क्योंकि इसका एसी बहुत हैवी है, बैक में भी और फ्रंट में भी है। आप देखोगे ना, यहाँ ब्रेक में भी है हाँ, एसी। पीछे भी एसी वेंट्स है ना इसमें। हाँ हाँ, अच्छा भारद्वाज एक बात बताओ, अब नई वाली सोनेट आ चुकी है, हाँ जी, तो उस टाइम पे आपको पता था कि नई वाली आने वाली है? नहीं मुझे नहीं पता अच्छा, था, पता नहीं था, अगर पता होता तो? पता होता तो नहीं लेते। ऑफ कोर्स, अच्छा, रुक जो सकते थे। अच्छा, रुक कह सकते थे, हमें चाहिए भी थी, क्योंकि हम शिफ्ट वगैरह कर रहे थे तो हमें एक नई गाड़ी चाहिए थी, तो हमें सोनेट मतलब ये बेस्ट गाड़ी लगी मुझे, रेंज में, इस रेंज में बेस्ट गाड़ी लगी। चलने में भी अच्छी है, पिकअप वगैरह सब बढ़िया है। भाई इसका यार सस्पेंशन बोलते हैं कि सस्पेंशन थोड़ा सा ना हार्ड टाइप सा है, मतलब कोई भी बम्प आता है या बम्पर वगैरह पे फील कराता है, ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं, मेरे तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ। अच्छा, आपको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? नहीं, अच्छा, इसमें कुछ आपने बाहर से भी काम कराया है? बाहर से क्या, बस वो उन्हीं उन्हीं के फीचर वगैरह देख लिए तो और कुछ नहीं है। और आप देखो, इसमें बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया है। बूट स्पेस दिखाओ पहले।
385 लीटर का बूट स्पेस। अच्छा, सब चीजें रिसर्च करके लाए हो, बिल्कुल फिगर टू फिगर। हाँ जी, 385 का बूट स्पेस है, 8 इंच का टच स्क्रीन है, बूट स्पेस। अच्छा, खाटू श्याम कितने बंदे गए थे? खाटू श्याम इसमें 5 गए थे, दूसरी गाड़ी में 5 गए थे। अच्छा, पीछे वालों का कैसा रिस्पॉन्स है, जो पीछे बैठते हैं कि हाँ भाई कंफर्टेबल है या बैठने में कुछ ऐसी? नहीं नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल है, बस हमने बाहर से जरा ये कवर वगैरह डलवाए थे, सीट कवर्स। हाँ जी, ओके भाई, एक बार बैठना आप जरा। कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'8" है। 5'8" ठीक है यार, हेडरूम स्पेस तो काफी अच्छा है इसका, 6 फीट का होगा, आदमी बैठेगा तब भी टच नहीं होगा। ये भी बूट और लेगरूम स्पेस भी काफी सही है। अच्छा, ये चीज सही है यार, पीछे भी एसी वेंट्स दे रखे हैं। तो आप बता रहे हो कि माइलेज दे रही है ये 18 के आसपास का। अच्छा, इस टाइम सर्दियों में 18 का एवरेज दे रही है। कितनी सर्विस हो गई इसकी? एक सर्विस हुई है 10,000 पे होगी। तो वो मतलब एक तो हो गया पहले जो चेकअप होता है। हाँ, एक जो एक महीने में होती है ना सर्विस, वो हो चुकी है। हो चुकी है। हाँ। तो उसमें ऑयल वगैरह सब चेंज किए थे? हाँ, सब वगैरह जो भी चेंज किया था। अब मुझे ये बताओ यार, किया के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब जैसे डिलीवरी वगैरह ली थी और बुकिंग से लेके डिलीवरी तक का सब, वो बताओ अपना एक्सपीरियंस। नहीं, बुकिंग हम देखने गए थे, जब हमें पसंद आ गई हमने ऐसे बुकिंग बुक कर दिया, और बुक करने के मुश्किल से 15 दिन लगे थे हमें। अच्छा, हमें हैंड ओवर कर दी गई थी। ओके, लेकिन जब ये सोनेट आई थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा बुकिंग थी इसकी, सॉरी बुकिंग कह रहा हूँ, उस टाइम पे बहुत ज्यादा वेटिंग थी इसकी। मैंने बताया ना कि जानने वाले थे, हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने करा दिया। अच्छा, वैसे कितनी वेटिंग चल रही थी उस टाइम पे भी? हाँ, ऐसे 3 महीने की वेटिंग चल रही थी। गाड़ी तो देखो यार ठीक लग रही है सेगमेंट में, और थोड़ी सी यूनिक गाड़ी भी है भारद्वाज जी, है ना? हाँ जी। और बाकी अब इसका फेसलिफ्ट आ चुका है और काफी कुछ चेंजेस कर दिए। हाँ जी, अभी नहीं आ चुकी। आपने देखी वो? हाँ जी, पीछे से भी अच्छी लग रही है, इससे उसका लुक नई वाली का पीछे का ज्यादा अच्छा है। और आगे का? आगे का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने पीछे से देखी हुई है, मैं गाड़ी चला रहा था तो वो पीछे से जा रही थी तब देखा था, आगे से मैंने देखा नहीं अभी उसका। ओके, तो लग रहा है कि पहले आ जानी चाहिए थी तो शायद सही ले लेते। नहीं, ऐसा तो वो लेंगे फिर दोबारा नहीं है, कोई आ जाएगी। हाँ, ये तो खैर होता है, लेकिन अब ये बहुत जल्दी जल्दी ऐसे भी वो निकाल लेते हैं ना, मतलब साल भर होती नहीं है कि तुरंत फेसलिफ्ट आ गया। अच्छा, आप मुझे बताओ भाई कि जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको इस गाड़ी के समझ में आए हो? नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा पिकअप, मान लीजिए थोड़ा पिकअप कम लगता है। हाँ। अच्छा, 7,415 चला दिया आपने। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ स्टीयरिंग इसका टिल्ट मिलता है या टेलीस्कोपिक भी है? ये अप टर्न हो जाता है, ऊपर नीचे होता है। हाँ जी। और आगे पीछे? आगे पीछे नहीं होता, ऊपर नीचे होता। अच्छा, आगे पीछे नहीं होता, शायद इससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में होता होगा। हाँ। यार एक बात बताओ कि ड्राइविंग में कितनी कंफर्टेबल है? ड्राइविंग तो बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा तो नहीं कि नहीं, मैं तो चला लूंगा, ऐसा तो नहीं कि जैसे खाटू श्याम गए थे तो कुछ थकान वगैरह ऐसा? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली कि मैंने तो दूसरी गाड़ी चलाई थी थोड़ी बहुत, मेरे भाई ने पूरे रास्ते जाते हुए रात भर चलाई थी, बड़े वाले भाई ने, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्पेस वगैरह तो ठीक ही मिल जाता है। चलो लास्ट में ना रेटिंग की बात करते हैं। अब मुझे बताओ आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना पसंद करोगे? आउट ऑफ 10? हाँ, 8, 8.5। 8.5, तो 1.5 नंबर किसका काट लिया? वही जो मैंने बताया, थोड़ा पिकअप वगैरह का। अच्छा, मतलब पावर थोड़ी सी कम लगती है पिकअप? हाँ, उठने में थोड़ी है, बाकी कोई दिक्कत और गाड़ियों के मुकाबले जो और गाड़ियों में, बाकी सब इसका एसी वगैरह और सब बढ़िया है। चलो थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए। तो ये है भाई किया सोनेट 2023 और जुलाई में ली थी, पेट्रोल मैनुअल। तो इसका एक ओनरशिप रिव्यू मैंने शेयर किया है ताकि अगर आप नई वाली सोनेट लेने की सोच रहे हो ना तो थोड़ी सी आपको हेल्प हो जाए कि हाँ भाई एक ओनर इसको लेके क्या फील कर रहा है या उसका क्या एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, उससे पहले बता देता हूं कि अगर किसी भाई को अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाओ जल्दी से डीएम करो। मिलते हैं आपसे, फिर करते हैं आपकी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर अगर आप करना चाहते हो तो। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।